हुए हैं और आगे बढ़े हैं, तो इसका जो लक्ष्य हाथ जो हमने सोचा उसका लक्ष्य हल करते हैं, आगे चलेंगे और साथ में लोगों को लेके चलेंगे और जनता का विश्वास जीत के चलेंगे। और ये लक्ष्य हमने रखा हुआ है, गरीब जनता का उत्थान करना है हमने, हमीरपुर जिले को स्वर्ग बनाना है और जो कोई भी काम है उसको हमीरपुर जिले में नंबर एक पे लाना है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा मेरा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी जो हमीरपुर जिले की दूर करनी है और साथ में जो लोगों की डिमांड है उनको पूरा करना है। और जो पेंशन वाले हैं लोगों का डिमांड है मेन, असली पेंशन वाली डिमांड जो है उसको भी अगर मैं विधानसभा में आता हूँ तो उसको भी मैं लागू कराने की कोशिश करूँगा पूरे तन मन धन से। भाजपा से दावेदारी थी, उन्होंने देखी कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, सर्वे करवाए लोगों के, लाखों रुपए खराब किए और एंड में एक चौपर भेज दिया, एक उसमें पेटी भेज दी कि जाओ मंडल वालों से पूछो कि किसको टिकट देनी है और किसको तीन नहीं देनी है, तीन नाम लिए। और मंडल वाले तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि विधायक के बाद कोई चले, तो उन्होंने तो उनका नाम लेना था, हमारा भी दायित्व बनता था, हम भी जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे जिला परिषद के, तो हमें भी नहीं बुलाया गया। और ये अनदेखी देखने उनको महंगी पड़ेगी भाइयों, हमीरपुर जिले में महंगी पड़ेगी और इस विधानसभा में महंगी पड़ेगी। दर्जी जी, आप पूरे जिले को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को, पूरे बीजेपी को उसका एहसास होगा इलेक्शन के बाद, जो उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, हाथ लाने जानते बड़े बड़े नेते ऐसे ऐसे करते हैं, वो सारा हाथ नीचे के नीचे धरे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, जब गुरु बिना ज्ञान नहीं, इनको शिक्षा नहीं देने वाला कोई रहा तो ये क्या इलेक्शन जीतेंगे। पीछे भी इलेक्शन जीता था तो धूमल के सिर पे जीता था इन लोगों, परंतु उनको दरकिनार करने की कोशिश की इन लोगों ने, तो उसके इनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से भुगते और इनके सामने आएगा। ये जो बड़े बड़े नेते बैठे हुए हैं इनको अपना आप नहीं है, वो अगर उनको इलेक्शन में उतारा जाए तो पंच के लायक नहीं है वो,